सामाजिक संस्था सत्यमेव जयते ट्रस्ट द्वारा एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों के आवागमन के लिए संचालित की जाने वाली ई रिक्शा सेवा की संख्या में 2 नए ई रिक्शा और संचालित किए गए हैं। बता दें ई रिक्शा मरीजों की सेवा में मुफ्त अपनी सेवाएं देते हैं। सामाजिक संस्था सत्यमेव जयते ट्रस्ट लगातार पिछले कई वर्षों से मरीजों तीमारदारों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 6 वर्षों से आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को निशुल्क एक कैंपस से दूसरे कैंपस में ले जाने के लिए ई रिक्शा सेवा भी ट्रस्ट द्वारा संचालित की जा रही है। बता दें कि इसी क्रम में समाज सेवी संतोष शर्मा के माध्यम से सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने 2 और नए ई रिक्शा उपलब्ध कराए हैं। नए ई रिक्शा लोकार्पण कार्यक्रम में शहर के तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। यह एक सुविधा यहाँ मेडिकल कॉलेज में पिछले 6 वर्ष से निरंतर चल रही है, जिसमें के मरीजों के एक वार्ड से लेकर दूसरे वार्ड तक आने जाने की सुविधा हेतु हमने यहाँ ई रिक्शा संचालित किए हुए हैं और इस सुविधा का लाभ मरीज पिछले 6 वर्ष से यहाँ पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में 2 ई रिक्शा यहाँ पे नए लगाए गए हैं, क्योंकि कुछ जो पुराने होते हैं वो हम हटाते जाते हैं और जैसे जैसे यहाँ आवश्यकता होती जाएगी उस तरह से हम और भी ई रिक्शा यहाँ पे बढ़ाएंगे, जिससे कि मरीजों को कम से कम एक स्थान से दूसरे स्थान में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का कैंपस बहुत लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ है और एक एक किलोमीटर की दूरी है आने जाने के लिए, जिससे कि बहुत असुविधा होती है। उस असुविधा को दूर करने के लिए इन ई रिक्शाओं का यहाँ संचालन किया जाता है हमारी अन्य सेवाओं के अतिरिक्त। सत्यमेव जयते संस्था एक पर्याय बन चुकी है सामाजिक सेवाओं के लिए, विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में। एक मेरे ख्याल से शायद ही कोई प्रदेश में ऐसे संगठन हो जो सेवा में ऑफिस के नीचे के स्तर से लेकर के उनकी हर सुविधा, मरीज की सुविधा, मरीज के तीमारदारों की सुविधा कैसे बन सके, लगातार उस पर प्रयास कर रही है और लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज एक और इसका ई रिक्शा का लोकार्पण किया गया है। संतोष शर्मा जी ने इसे सत्यमेव जयते संस्था के माध्यम से आज लोकार्पित किया है। ऐसी निरंतर सुविधाएं बनती रहें, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में मरीज़ को जाना है, मरीज़ के तीमारदारों को पहुंचना है, तुरंत एक्सरे कराना है, तुरंत ब्लड कराना है, ऐसी सुविधाएं यहाँ जो नहीं मिल पाती थी उन सुविधाओं के लिए लगातार ये प्रयास हो रहे हैं। ये मैं विशेष तौर पर मुकेश जैन जी, हमारे गौतम सेठ जी, ये जो लगातार रात दिन इसी पर इन्हीं सेवाओं में रहते हैं, मेरे ख्याल से 2 बजे भी फ़ोन किया जाए तो तुरंत इमरजेंसी पहुंचना हो, कहीं पहुंचना हो, तुरंत पहुंचते हैं। ऐसी सेवाएं मुझे लगता है कि आगरा में लगातार ऐसे सामाजिक लोग बढ़ कर के आ रहे हैं और यही आगरा की USP है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।